अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 50 ग्राम सेंग दाना लिया था, उसको भूनना है। हरी मिर्च ली थी, कड़ी पत्ता लिया, हरा धनिया और एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके ली है। और ये साबूदाने को एक घंटे के लिए पानी में अच्छे से भिगो लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना, उसके बाद भिगोना और ऐसे चेक कर लेना। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसे एक बार चेक कर लेना ये बराबर हुआ या नहीं। ये देखिए सेंग दाने को भून लेना है अच्छे से। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए अच्छे से भून जाए, उसके बाद हमको इसको दरदरा पीस लेना है सेंग दाने को। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है अपना किचन खजाना, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो न्यू अपडेट के लिए। सेंग दाना भून के हो गया, उसके बाद मैं कढ़ाई ले लूँगी, उसमें ज़ीरा डालना है 1 चम्मच और 1 चम्मच ही तेल डालना है, ज़्यादा मत डालना। कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम इसमें और बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने प्याज और हरी मिर्च कट करके डाला है और कड़ी पत्ता डाला है इसमें। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, मैंने 3 या 4 ही हरी मिर्च ली थी। और साबूदाना मैंने 250 ग्राम ही लिया था, यानी 1.25 किलो लिया था। ये देखिए वो मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो सेंग दाना हमने पीसा था मिक्सी में, ये देखिए वो डाला है मैंने। और सेंग दाना इसमें ज़्यादा डालना है हमको, और नमक डाला है मैंने, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और अच्छे से सब मिक्स कर लेना है। अगर आपकी खिचड़ी भी स्टिकी बनती है तो आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनेगी, खिली खिली। ये देखिए हरा धनिया डाला है मैंने, इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही हमको 5 मिनट के लिए दम पे रखना है, ज़्यादा देर भी मत रखना। फटाफट सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अच्छे से मिला लेना है और 2-5 मिनट ही हमको रखना है इसको, अच्छे से बन जाएगी ये, रेडी हो जाएगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए रेडी हो चुकी है, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। आप एक बार चेक कर लेना, ये देखिए हो चुकी थी इसलिए मैंने गैस ऑफ कर लिया है। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टा आईडी है अपना किचन खजाना, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए और अपने रेसिपी के पिक मुझसे शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।